परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस प्रकार रात के घोर अंधियारे के बाद सवेरा आता है, उसी प्रकार अनेक मेरे बच्चे जो अंधकार के परिस्थिति में से होके गुजर रहे हैं, उनके जीवन में एक सवेरे को मैं भेजता हूँ। अंधकार डर भरा था, पीड़ा भरा था, दुख भरा था, लेकिन उसी विलाप को मैं नृत्य में बदलने जा रहा हूँ, उसी दर्द को मैं चंगाई में बदलने जा रहा हूँ। अनेक मेरे लोग इस वक्त मेरे नाम के लिए, जिस प्रकार मेरा चेला पतरस जेल में था, आज अनेक इस वक्त जेल में है। लेकिन जब पतरस जेल में था, कलीसिया रोड पे जलूस नहीं निकाले, कलीसिया रोड पे मोर्चा नहीं निकाले, लेकिन कलीसिया एक मन होकर उसके लिए दुआ किए। जब मेरे लोग इस सिद्धांत को समझेंगे, मेरे चुने हुए दास जब इस सिद्धांत को समझेंगे, कि मेरे कार्य के लिए सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं, मेरे कार्य के लिए बंद कमरों में रहकर प्रार्थना करने की जरूरत है। जब कलीसिया इस सिद्धांत को समझेगी, जब मेरे अगुवे इस सिद्धांत को समझेंगे कि हाई कोर्ट में अपील देने से वो रिहा नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से वो रिहा नहीं होंगे, लेकिन जब वो इस सृष्टि के रचयिता के सामने अपनी अर्जी देंगे, तब मेरे लोग रिहा होंगे। अगर मैं नबूकदनेस्सर को बदल सकता हूं, तो ऐसा कोई व्यक्ति ना इस दुनिया में था, ना है और ना होगा। जिसके मन को मैं बदल नहीं सकता, अगर आज ये विपत्ति इस देश में आई है, क्योंकि जब मैंने अपने अगुओं को काम करने के लिए आजादी दी, उन्होंने मेरा काम करने के बजाय अपने जेबों को भरना जरूरी समझा,
इसीलिए आज ये परिस्थिति इस देश में आई है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब मेरे लोग मेरे नाम से अपने आप को दीन करेंगे, अपने घमंड को तोड़ेंगे, अपने फरीसीपन को तोड़ेंगे, और जहां वो है वहां पे वो नम्र होके जब वो पुकारेंगे, जिस प्रकार मैंने निनवे के लोगों के पुकार को सुना, उसी प्रकार मैं भारत देश के विश्वासियों के पुकार को सुनूंगा। जब मेरे अगुए अपने आप को नम्र करेंगे, और अपनी गलती को मानते हुए उसमें से मुंह फेरेंगे, जिस तरह जक्कई फिरा, तभी इस देश में मेरे कार्य को लोग देखने पाएंगे। वरना एक रात आने वाली है कि कोई काम ना होगा, एक ऐसी रात जो भारत देश के इतिहास में किसी ने नहीं देखा। मैं लोगों के झुंड को नहीं चाहता, जो जहां पे है वहां पे रहते हुए अपने आप को नम्र करें। इस देश के लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करें। इस देश के नेताओं के लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करें। वरना जिस प्रकार मैंने शाऊल को उपयोग में लाया कि मसीहों के विरुद्ध में वो कार्य करें और उन्हें तितर बितर करें, ताकि जहां उनको जाना है वो जाए, वैसे ही मैं अनेक शाऊल को इस देश में खड़ा करूंगा। क्योंकि मेरे अगुए सो रहे हैं, क्योंकि मेरे बुलाए हुए जिस काम के लिए वो बुलाए गए उसको छोड़कर वो सब चीज कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में दुनिया के सामने मैं प्रदर्शित करूंगा कि कौन मेरे हैं और कौन बाल के हैं, कौन अपने पेट के लिए मेरा नाम लेके चल रहे हैं और कौन मेरे नाम पर
जीने वाले हैं और कौन मेरे नाम के लिए मरने वाले हैं। ये समय डरने का नहीं, ये समय प्रार्थना का है, ये समय प्रार्थना का है जो तुमने सोचा नहीं उससे खतरनाक इस देश में होने जा रहा है। इसलिए समय है कि मेरे लोग नम्र बने, मेरे लोग मध्यस्थता करें, याद रखो लूत को, जो अपना जिंदगी आरामदायक जी रहा था सोदोम गोमोरा में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग सही कर रहे हैं या गलत, यहां तक कि अपनी बेटियों के लिए भी उस पापमय लोगों में से अपने दो दामाद उसने चुने। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ जल के राख हो गया। उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई, और वो अपनी बेटियों के साथ पाप किया। अगर वो अब्राहम के साथ रहता तो वो दिन ना दिखता। जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे, जो लोग मुझे प्रथम स्थान देख के चलेंगे, वो आने वाले तूफानों से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच भारत की भूमि मेरे दासों के लहू के द्वारा सींची जाएगी। जब तुम ऐसी बातों को सुनो तो रो नहीं, बल्कि जागते हुए दुआ करो। क्योंकि जो कार्य इस देश में होने वाला है वो कभी किसी ने सोचा नहीं। लेकिन अगर मेरे लोग निनवे के लोगों के जैसे अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, तो वो मेरे कार्य को देखने पाएंगे। और आखिरी दिनों की सेवकाई के लिए चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे।
इसलिए जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में हम आते हैं। अपने आप को हम आपके हाथों में देते हैं और प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे मसीह भाई बहनों के लिए जो अलग अलग जगह पे जेलों में कैद है, जो आपके नाम के वजह से पीड़ा उठा रहे हैं, दर्द सह रहे हैं, प्रभु जी हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जहां भी है, जैसे भी है, जिस तरह आपने अपने दास को पतरस को जेल से निकाला, वैसे ही प्रभु अपने दूतों को तू भेज कि जो बल के द्वारा तेरे नाम को बुझाना चाहते हैं वो तेरे कार्य को देखने पाए। और जिस प्रकार वो जेलर ने तेरे कार्य को देखा, जब तूने अपने दासों को पौलुस और शीलास को छुड़ाया बंदीगृह से, उसी प्रकार प्रभु जी सताने वाले वो तेरे नाम को प्रचार करने वाले बनने पाए। जिस तरह तूने पौलुस को पकड़ा, वैसे ही प्रभु जी उनको भी तेरे हाथों में देते हैं जो तेरे नाम से खेलते हैं, जो तेरे दिए हुए पैसे से खेलते हैं, जो अपने आप को तेरा दास कहते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए तेरा नाम उपयोग में लाते हैं। ऐसे लोगों को तेरे हाथ में देते हैं कि वो प्रायश्चित करे, वो नम्र बने, वो तेरे असीम प्यार को समझ पाए। तेरा लहू कीमती है, तेरा लहू कीमती है। जो तुझे बेचते हैं सभी जूडास इस्करियोत की संतान
प्रायश्चित करने पाए। वो जानने पाए कि तेरा लहू कीमती है, तेरा लहू कीमती है, तेरा लहू बिकाऊ नहीं है। वो अपने पहले प्यार के पास आने पाए, वो अपने गलती को समझने पाए, वो नम्र होने पाए, ताकि जिस तरह निनवे ने तेरे कार्य को देखा, वैसे ही ये भारत देश तेरे कार्य को देखने पाए। अनेक नौजवान खड़े होने पाए, जो अपने जान से ज्यादा तुझसे प्रेम करे, जो अपने लिए नहीं तेरे राज्य के लिए जीने पाए। क्योंकि तेरा लहू कीमती है, क्योंकि तेरा लहू कीमती है। प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आपके हाथों में देते हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती अगर आपने उन्हें चुना है तो कोई कारण से चुना है। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, आपके बुद्धि और ज्ञान से उन्हें भरिए कि इस देश में खुशी और सुख, शांति और चैन रहने पाए। हर एक नेताओं को आपके हाथों में देते हैं, हर एक एमएलए को आपके हाथों में देते हैं, हर एक सीएम को आपके हाथों में देते हैं। हर एक कमिश्नरों को आपके हाथों में देते हैं, हर एक जजों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, हर एक को छुइए, इस देश के लिए खड़े होने के लिए एक बोझ दीजिए। प्रभु जी, ये देश नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाने पाए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आपके हाथों में देते हैं, उन्हें अपने स्वर्गीय ब्लूप्रिंट से भरिए, ताकि इस देश का इकोनॉमी बढ़ने पाए, नौजवानों को रोजगार मिलने पाए, हमारा देश बढ़ोतरी करने पाए। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है। इस देश को आपके हाथों में देते हैं, आप इस देश में कार्य करिए।
छोटी सी विनती आपके बेटे शुनासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। कोर्टशिप टू मैरिज.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।